At least shade is there, sir. Shade is there. भाई बताओ, चल जा रहा काम इसे सर। सर कैसे आए थे? माल बेचने आते हैं यहाँ पर। सर माल बेचने बात हो गई यहाँ। क्या बेचने आते हैं? अच्छा भाई बताओ, चल जा रहा काम इसे सर। सर कैसे आए थे? माल बेचने आते हैं यहाँ पर। सर माल बेचने बात हो गई यहाँ। क्या बेचने आते हो? अच्छा हम लोग कम्बल लाए हैं जो। ठंड बहुत है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कोई व्यक्ति जो है खुले में ना रहे जी। और अगर खुले में है तो उसको उसमें जो आश्रय स्थल बने हैं वहाँ पर लेकर इनको जो है रन बसेरे बने उसमें जाकर शिफ्ट किया जाए जी। तो देखिए मैं टाल के हम लोग देख रहे थे तो 4-5 बुजुर्ग महिलाएं हैं यहाँ पे, जबकि अद्यक्ष मंदिरों में रहती हैं ये, लेकिन आकर सोती हैं यहीं पर। ये ठंड बहुत अधिक है और ये जो रहा है इन्होंने उससे काम चलने वाला नहीं है। रोजाना का क्रम है ये आपका? नहीं हाँ डेली का क्रम है। इसमें ठंड चल रही है तो जहाँ भी जरूरतमंद आदमी को लग रहा है इस तरह से ठंड से पीड़ित है तो उसको हम लोग कंबल देते हैं और अब जो हमारे रैन बसेरा बना उसमें शिफ्ट करते हैं। सर कहीं ना कहीं ये फॉर्मेलिटी देखी जाती थी जो आप जगह जगह यार खुद देखते हैं कि कितनी जरूरत है कंबल। मैंने ये छुट्टी देखी है, गरीबी तो मैंने बहुत नज़दीक से देखी है और ठंड क्या उसको बहुत महसूस किया है। तो मैं रिक्शा वाला है, देखिए कितनी ठंड से छुटते हुए जा रहा था। बहुत गरीब आदमी होते हैं या बहुत सारे लोग रोजमर्रा अपने मजदूरी करने आते हैं तो रन बसेरा है उसमें रात में ठहर जाते हैं, सवेरे निकल जाते हैं, या कोई 12 बजे रात तक रुकना चाहता है वहाँ 12 बजे रुक जाता है, उसको हम कंबल दिला देते हैं, रजाई दिला देते हैं, फिर उस सवेरे फिर चपरा निकल जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही जरूरतमंद है उनको तो हम कंबल सरकारी जो आए हुए हैं सरकार की तरफ से उसको हम उनको बांटते हैं कि ठंड से बचाव हो सके।